हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टरबाइन के मेन मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर कोई टरबाइन से कोई बड़ा ही डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्टिव आता है एग्ज़ाम में तो वो किसी को नहीं आता, ठीक है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई आसान ऑब्जेक्टिव है जो आपको नहीं आता बाकी सबको आता है तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए जो आसान वाले, जो मेन वाले, इंपॉर्टेंट वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं सिर्फ वही इस वीडियो में कवर होंगे, ठीक है। टरबाइन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बुक्स में 100 100 पेज का चैप्टर है, वो सारा मेरे लिए पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, आपके लिए यहाँ पर पढ़ना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पर एटलीस्ट मुझे लगता है कि इतना तो आपको पता होना चाहिए, उतना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तीन मेन टरबाइन है हमारे पास, पेल्टन व्हील, फ्रांसिस और कैपलान। कैपलान को ही प्रोपेलर भी बोलते हैं, ठीक है। पेल्टन व्हील को सबसे पहले समझो, ये एक इम्पल्स टाइप का टरबाइन है, इम्पल्स टरबाइन, ठीक है। आप समझते हैं, वो एक जेट ऑफ वाटर होता है, वो ब्लेड्स पे स्ट्राइक करता है, फोर्स लगती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना, हाई स्पीड से वाटर स्ट्राइक करता है, उसकी वजह से वो रोटेट करता है, डायरेक्ट एक्शन की वजह से रोटेट करता है, तो इसको इम्पल्स टर्बाइन बोलते हैं। बाकी दोनों में ऐसा कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं है, वो डायरेक्ट जिस डायरेक्शन में वाटर स्ट्राइक कर रहा है उस डायरेक्शन में ये रोटेट नहीं करते। जैसे कैपलान में तो वाटर का फ्लो एक्सियल डायरेक्शन में होता है, इन फ्रांसिस में रेडियल डायरेक्शन में होता है, लेकिन वाटर की डायरेक्शन को चेंज होने की वजह से, वाटर फ्लो की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वाटर पर फोर्स लगती है ना। वाटर की अगर डायरेक्शन अगर आपने चेंज करनी है तो आपको वाटर पे फोर्स लगानी पड़ेगी। जैसे वो फोर्सेस ऑन पाइप बेंड्स हम निकालते थे, तो वहाँ पे वाटर पे फोर्स लगाएगा पाइप बेंड, और वाटर पाइप बेंड पे फोर्स लगाएगा, तो उस वो एक्शन और रिएक्शन की जो फोर्सेज हैं उसकी वजह से जो टर्बाइन रोटेट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्शन टर्बाइन। फ्रांसिस टर्बाइन और कैपलान टर्बाइन रिएक्शन टर्बाइन है। यहाँ वाटर जनरली क्लोज कंड्यूट्स में होता है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के कंटैक्ट में नहीं होता, जबकि पेल्टन व्हील में जो जेट ऑफ वाटर होता है वो एयर के कंटेक्ट में होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर में होता है, ठीक है। इनके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हेड पेल्टन व्हील यूज़ होते हैं हाई हेड में, ये एक तरह से ओल्ड कंसेप्ट है पेल्टन व्हील टर्बाइंस। जब हम बड़े बड़े डैम बनाते थे तो उनके नीचे पेल्टन व्हील टर्बाइन यूज़ होते थे। इनकी स्पेसिफिक स्पीड बड़ी कम होती हैड सबसे हाई और स्पेसिफिक स्पीड सबसे कम, ठीक है, 50 से भी कम। ऐसे तो सिंगल पेल्टन व्हील जो पुराने कंसेप्ट के होते हैं उनकी स्पेसिफिक स्पीड 15 से भी कम होती है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट केसेस थोड़ा मॉडिफाई करके डबल पेल्टन व्हील बना के तो 50 तक एटमोस्ट पेल्टन व्हील की स्पेसिफिक स्पीड पहुँचती है। फ्रांसिस टर्बाइन की मीडियम हेड के लिए और मीडियम स्पेसिफिक स्पीड के लिए यूज़ होते हैं, 250 से लेकर 60 50 तक फ्रांसिस टर्बाइन हेड में यूज़ होते हैं, और स्पेसिफिक स्पीड की भी वही रेंज है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ कोई एब्सोल्यूट वैल्यूज़ नहीं है, 10 15 20 ऊपर नीचे हो जाता है, बट एक आइडिया आपको हो जाना चाहिए कि पेल्टन व्हील बहुत हाई हेड के लिए हैं, फ्रांसिस उससे कम है लेकिन कैपलान से ज़्यादा है, ठीक है। फ्रांसिस मिडल में आते हैं स्पेसिफिक स्पीड हो चाहे हेड हो। कैपलान में जो हमारे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए ज़्यादातर, मैंने पहले भी बोला था, कैपलान टर्बाइन यूज़ होते हैं। कैपलान टर्बाइन को हम प्रोपेलर टर्बाइन भी बोलते हैं। प्रोपेलर क्यों? प्रोपेलर आप समझ सकते हो, ठीक है, हमारे एग्जॉस्ट फैन जैसा दिखता है शिप के पीछे, ठीक है, शिप जो चलती है प्रोपेलर घूमता है तो वो पानी को एक्चुअली बैकवर्ड पुश करता है, तो वाटर जो है वो शिप को फॉरवर्ड पुश करता है, तो उसको प्रोपेलर बोलते हैं। कैपलान की शेप बिल्कुल वैसी होती है, कैपलान में एग्जॉस्ट फैन की तरह ही 4 ब्लेड या एट मोस्ट बहुत बड़ा साइज होगा तो 8 ब्लेड इतने ही लगे होते हैं, जबकि फ्रांसिस टर्बाइन में तो छोटे छोटे बहुत सारे ब्लेड लगे होते हैं जो 20 से भी ज़्यादा होते हैं। पेल्टन व्हील में होती हैं बकेट्स, ठीक है, बकेट्स का नंबर भी हाँ काफ़ी वेरी करता है, ये डिपेंड करता है आपने जेट भी कितने यूज़ कर रहे हो, डाया जेट रेशो एट्सेट्रा पे, ठीक है। अभी उसका एक एम्पेरिकल रिलेशन भी देखेंगे, तो ये मेन है याद रखना, ठीक है। हेड अगर बड़ा हाई हेड हो तो कौन सा टर्बाइन यूज़ करोगे? पेल्टन व्हील। बड़ा लो हेड हो, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट हो, कौन सा टर्बाइन यूज़ होता है? कैपलान। बीच में इंटरमीडिएट यूज़ होता है फ्रांसिस टर्बाइन, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जो पंप स्टोरेज प्लांट्स में फ्रांसिस टर्बाइन जो है दैट कैन बी यूज बोथ, सो फ्रांसिस टर्बाइन बोथ पंप और टर्बाइन के तौर पर यूज़ होता है पम्प्ड स्टोरेज प्लांट्स में। ओके, नेक्स्ट फ्लो कैसा होता है पेल्टन व्हील में? आप देखो, इमेजिन करो वो सर्कल कैसे घूमता है। मैं मानता हूँ आपने इनकी पिक्चर्स तो देखी होंगी, एटलीस्ट नहीं देखी हैं तो गूगल करके इनकी पिक्चर एक बार देख लो। पेल्टन व्हील में जो सर्कल है उसके टेंजेंशियली जेट जो है वो बकेट को स्ट्राइक करता है, तो टेंजेंशियल फ्लो होता है। फ्रांसिस में मिक्स्ड फ्लो होता है, रेडियली इनवर्ड्स आता है और फिर एक्जियली बाहर जाता है। कैपलान में फ्लो एक्जियल होता है, एक्जियल मतलब उसकी एक्सिस के अलॉन्ग, जो फैन है उस वो एक रॉड के अबाउट रोटेट कर रहा है, उस रॉड के पैरेलल, उसकी एक्सिस के पैरेलल फ्लो होता है, ठीक है। इसके अलावा टर्बाइन में फॉर्मूला और ऑब्जेक्टिव जो हैं स्पेसिफिक स्पीड पर आते हैं, तो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन का फॉर्मूला ns इज इक्वल टू n p रेज पावर 1/2 डिवाइड बाई h रेज पावर 5/4, ठीक है। इसमें n क्या है? n उसकी rpm में स्पीड है, p पावर है जो किलोवाट में सब्सटीट्यूट करनी है, और h हेड है जो मीटर में सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। स्पेसिफिक स्पीड का ऐसा सिमिलर फॉर्मूला हाइड्रोलिक्स में पंप के लिए भी होता है, उसमें बस इतना चेंज होता है कि ऊपर पावर की जगह डिस्चार्ज हो जाता है और नीचे हेड की पावर 5/4 की जगह 3/2 हो जाता है। नेक्स्ट टर्बाइन के साथ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब का क्या पर्पज़ होता है, ठीक है, ड्राफ्ट ट्यूब कहाँ पर इंस्टॉल होती है और क्या पर्पज़ होता है? ड्राफ्ट ट्यूब इंस्टॉल होती है टर्बाइन के बाद टेल रेस चैनल से पहले,
ठीक है, टरबाइन के साथ ही अटैच होती है, लेकिन पहले टरबाइन में पावर जनरेट होगी, टरबाइन रोटेट करेगा, उसके बाद जो वाटर है वो ड्राफ्ट ट्यूब से होकर टेल रेस चैनल पर जाएगा, ठीक है। और ये ड्राफ्ट ट्यूब कैसी होती है, इसका एरिया जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होता है, एरिया इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि एरिया इंटू वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होता है ना, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। अब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो बर्नौली थ्योरम में आपको पता है कि पी बाय गामा प्लस वी स्क्वेयर बाय टू जी प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो अब वेलोसिटी अगर डिक्रीज़ हो रही है तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, क्योंकि उनका सम कॉन्स्टेंट रहना है, प्रेशर इंक्रीज़ होगा, मतलब ड्राफ्ट ट्यूब में जैसे जैसे आप आगे जाओगे प्रेशर इंक्रीज़ होगा, और अल्टीमेटली ड्राफ्ट ट्यूब पानी को कहाँ रिलीज़ कर देती है, एटमोसफेयर में। तो ड्राफ्ट ट्यूब के एंड पे प्रेशर कितना है, एटमोसफेयरिक प्रेशर, और प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, और इंक्रीज़ होकर कितना पहुंचा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब पहले कितना रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम, वैक्यूम प्रेशर। तो ड्राफ्ट ट्यूब हमें मदद करती है वैक्यूम प्रेशर क्रिएट करने में अंदर, जिससे हम अपना जो हेड है, जो टरबाइन अगर आपने टेल रेस से थोड़ा ऊपर इंस्टॉल किया है, ठीक है, टेल रेस जहाँ पे आपने पानी छोड़ना है अल्टीमेटली रिलीज़ कर देना है, उससे थोड़ा ऊपर इंस्टॉल किया है, तो वो हेड वेस्ट हो जाना था। अगर आप ड्राफ्ट ट्यूब लगा लो तो टरबाइन में हेड वैक्यूम प्रेशर जितना हो जाएगा, और कितना वैक्यूम प्रेशर होगा, इतना वैक्यूम प्रेशर होगा कि नीचे तक का जो बाकी का हाइट जो आपने टरबाइन थोड़ा ऊपर इंस्टॉल किया वो भी पूरी तरह से यूटिलाइज होगा, ठीक है। आपको अब डिटेल में समझ आता है तो ठीक है, नहीं भी आता है तो इतना याद रख लो, इससे हमारा जो बाकी का हेड है, जो टरबाइन और टेल रेस के बीच में जो हाइट है, उसे भी हम यूटिलाइज कर लेते हैं, वो वाला पावर भी हम यूटिलाइज कर लेते हैं, ये वैक्यूम क्रिएट कर देता है अंदर, और इसमें एरिया इंक्रीज़ होता है, जिस वजह से वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, और इसमें चलते 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 प्रेशर इंक्रीज़ होता है, इसके एंड पे प्रेशर एटमॉस्फेयर ही होता है, इसलिए अंदर जो है प्रेशर है वो वैक्यूम प्रेशर होता है, ठीक है। और ये सिर्फ रिएक्शन टरबाइन में यूज़ होता है, इंपल्स में नहीं हो सकता, क्योंकि इंपल्स में तो सीधे जेट एटमॉस्फेयर के कंटेक्ट में आ जाता है, तो वहीं पर उसका प्रेशर एटमॉस्फेयर ही हो जाता है, फिर ड्राफ्ट ट्यूब का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये जो रिएक्शन टरबाइन है ये क्लोज कंड्यूस में होते हैं, क्लोज पाइप के अंदर होते हैं, पूरे क्लोज सिस्टम के अंदर होते हैं, तो यहाँ पर हम ड्राफ्ट ट्यूब यूज़ करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब पानी को लेके जाती है, एरिया बढ़ाती है, वेलोसिटी घटाती है, प्रेशर उस वजह से बढ़ता है, और बढ़ के फाइनली वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तो अंदर वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम, ठीक है। नेक्स्ट, ये आरएस खुरमी की बुक से जो फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव छोटा मोटा यहाँ से आने के थोड़े बहुत चांसेस हैं, एक बार इसे रीड कर लो, ठीक है। टर्बाइन का क्या लिखा है, टर्बाइन एक मशीन है जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है, ये कन्फ्यूज़ नहीं होना, टर्बाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। टरबाइन में खाली एक रॉड घूमेगी, फिर वो रॉड जनरेटर में होगी, जनरेटर आपने सबने पढ़ा होगा, सेंटर में एक रॉड घूमती है, साइड में मैग्नेटिक पोल्स हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इसका काम सिर्फ इतना है, जो वाटर की एनर्जी है यानी जो हाइड्रोलिक एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, मैकेनिकल एनर्जी कैसे, एक रोटेटिंग शाफ्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, हम इन्हें वाटर टर्बाइन भी कहते हैं, ठीक है। और ये दो मेन टाइप्स हैं, इंपल्स टर्बाइन और रिएक्शन टाइप, और दोनों की मेन मेन एग्जांपल आपने देखी, इंपल्स टर्बाइन में पेल्टन व्हील और रिएक्शन टरबाइन में फ्रांसिस और कैपलन, कैपलन को प्रोपेलर भी बोलते हैं, ठीक है। इंपल्स टरबाइन में हमने देखा कि टोटल एनर्जी जो इनलेट पे होती है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, जब जेट बाहर आता है तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारी जितनी भी प्रेशर एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लें, इसीलिए हम एक नोजल लगाते हैं, नोजल का एरिया कैसा होता है, डिक्रीजिंग एरिया होता है, एरिया आगे आगे जाते जाते कम हो रहा होता है, एरिया कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो प्रेशर कम हो रहा है, उसकी जितनी भी प्रेशर एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब में इसका ऑपोजिट है, उसमें एरिया बढ़ता है तो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है उसको हम प्रेशर एनर्जी में चेंज कर लेते हैं, वेलोसिटी कम करके प्रेशर बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो वाटर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होता है जब वो स्ट्राइक कर रहा होता है, क्योंकि वो एयर के कंटेक्ट में होता है, और इसे हाई हेड के वाटर के लिए यूज़ होते हैं, पेल्टन व्हील जो है वो एक टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टर्बाइन है, ये सब हमने पीछे देखा। नेक्स्ट, इम्पल्स टर्बाइंस के बारे में छोटे मोटे फैक्ट्स, जैसे इसकी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या होगी, एफिशिएंसी कितनी एनर्जी आपने सप्लाई की थी, जो एनर्जी सप्लाई की वो जेट की काइनेटिक एनर्जी वो डिनोमिनेटर में लिखोगे, और ऊपर कितना टरबाइन पे वर्क डन हुआ वो ऊपर लिखोगे, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम तब होती है जब जो रोटेट कर रहा है, जो टरबाइन रोटेट कर रहा है उसकी वेलोसिटी हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ जेट हो, ठीक है। ये सब डिराइव करके बुक में ये एंड में ये रिजल्ट्स निकलते हैं, रिजल्ट्स याद रखने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है, ठीक है। कब एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, जब वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, देखो दो चीज़ों की वेलोसिटी है, एक जो जेट जो पानी का सीधे आ रहा है उसकी वेलोसिटी है, और एक बकेट की वेलोसिटी है जो टरबाइन के साथ घूम रही है, तो बकेट की वेलोसिटी जेट की वेलोसिटी के जब हाफ होती है तब एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, ठीक है। फिर एक और एफिशिएंसी का रिलेशन लिखा है, उसके बाद मेन है कि जेट रेशो किसे बोलते हैं, ठीक है। आई पॉइंट है डी बाई डी, बड़ा डी क्या है, पूरा डाया टर्बाइन का बकेट से लेके सेंटर तक, और मतलब सेंटर से भी दोबारा बकेट तक, और छोटा डी क्या है,
जेट का डाया, जेट वाटर जेट का डाया, उसको हम जेट रेशो कहते हैं। मैक्सिमम जेट जो एक पैल्टन व्हील पे, जनरली 4 से 6 जेट होते हैं, मैक्सिमम 6 जेट हम एक ही पैल्टन व्हील पे, एक ही टर्बाइन पे 6 जगह से वाटर स्ट्राइक करवा सकते हैं। जो नंबर ऑफ बकेट्स का मैं एम्पिरिकल रिलेशन की बात कर रहा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका डाया इतना है और जेट डाया इतना है तो इस पे कितनी नंबर ऑफ बकेट्स आपने यूज़ करनी है वो एम्पिरिकली आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, विथ बकेट की जनरली डाया या जेट के 5 टाइम्स होती है, वो भी आप थोड़ा याद रखने की कोशिश करना। नेक्स्ट रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन में वाटर जो है वो अंडर प्रेशर रहता है, वो एटमॉस्फेयर के कंटेक्ट में नहीं आता, क्लोज कंड्यूट में रहता है और वेंस के ऊपर फ्लो करता है। ठीक है, वाटर एफिशिएंसी रिएक्शन टरबाइन की, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी रिएक्शन टरबाइन की क्या होगी? ऊपर वर्क डन ही रहेगा लेकिन नीचे जो है काइनेटिक एनर्जी के बजाय टोटल एनर्जी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पानी अंडर प्रेशर रहा है, उसकी प्रेशर एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। ठीक है, नेक्स्ट वो थी ओवरऑल हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी में ऊपर वर्क डन है, और ओवरऑल एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली एफिशिएंसी क्या है कि आपने पावर कितनी प्रोड्यूस की। अगर पावर प्रोड्यूस ऊपर लिखोगे तो वो ओवरऑल एफिशिएंसी बन जाएगी। कैपलन टर्बाइन कैसा टर्बाइन है मैंने आपको बताया, एक्जियल फ्लो टर्बाइन है, नंबर ऑफ ब्लेड जनरली 4 to 8 होते हैं। फ्रांसिस टर्बाइन कैसा टर्बाइन है, ये मिक्सड फ्लो टर्बाइन है। ठीक है, रेडियली इनवर्ड एंड देन एक्जियली आउटवर्ड, रेडियली पानी अंदर आता है, एक्जियली बाहर जाता है, नंबर ऑफ ब्लेड जनरली 16 से 24 होते हैं फ्रांसिस टर्बाइन में। फिर ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में आपको बताया, एक पाइप है जिसका एरिया ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, ये वाटर को रिएक्शन टर्बाइन के एग्जिट से लेके जाती है टेल रेस तक। ठीक है, ये मिक्सड और एक्जियल फ्लो टर्बाइंस में, रिएक्शन टर्बाइंस में यूज़ होती है। बिकॉज ऑफ द ड्रॉप ट्यूब हमारे पास पॉसिबल है कि हम प्रेशर जो रनर आउटलेट पे है उसको एटमॉस्फेयर प्रेशर से भी नीचे कर दें। जो रनर आउटलेट यानी जो टर्बाइन का आउटलेट है वहाँ पे जो प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर हो जाना था उसको हम वैक्यूम प्रेशर बना दें। वैक्यूम प्रेशर होगा तो पानी और स्पीड से और एनर्जी के साथ उसके पास आएगा। ड्राफ्ट ट्यूब हमें हेड बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, देन स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला लिखा है, पावर याद रखना किलोवाट में डालनी है। ठीक है, हॉर्स पावर में दी हो तो कन्वर्ट कर लेना। यूनिट स्पीड, यूनिट डिस्चार्ज और यूनिट पावर, ये तीनों टर्म्स देख लो क्या है। ठीक है, स्पेसिफिक स्पीड को अगर अंडर रूट एच से डिवाइड करो तो यूनिट स्पीड है, अंडर रूट डिस्चार्ज को अंडर रूट एच से डिवाइड करो तो यूनिट डिस्चार्ज है। यूनिट हेड पे कितना डिस्चार्ज फ्लो करता है वो यूनिट डिस्चार्ज, यूनिट हेड पे कितनी स्पीड हम रखते हैं वो यूनिट स्पीड और यूनिट पावर। ठीक है, देन कैविटेशन। कैविटेशन के बारे में हमने पहले भी देखा था कि अगर बड़ा लो प्रेशर हो जाए तो वाटर के वेपर्स बन जाते हैं, और फिर जब ये वेपर्स किसी हाई रीजन में जाते हैं तो ये कोलैप्स करते हैं, और बहुत सारे वेपर्स एक साथ कोलैप्स करते हैं, उससे बहुत सारा एनर्जी रिलीज होती है जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है, टर्बुलेंस प्रोड्यूस होती है, जो पाइप्स की वॉल्स हैं वो उनकी पिटिंग हो जाती है। ठीक है, तो इससे डिस्चार्ज कम हो जाएगा, पावर कम हो जाएगी, सरफेस आपकी रफ़ हो जाएगी, नॉइज़ और वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी और आउटपुट और एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसे रोकना है तो प्रेशर को ज़्यादा लो प्रेशर ना होने दो, डिज़ाइन स्पीड पे चलाओ, हाईली पॉलिश टर्बाइन यूज़ करो, स्टेनलेस स्टील यूज़ करो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।